तो हम लोग सब मिलके जा रहे हैं। अश्मिता के लैपटॉप खराब हो गया, कहाँ है तू? मुंह तो दिखा अश्मी। अश्मिता के लैपटॉप खराब हो गया है, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पढ़ाई करते करते लैपटॉप खराब हो गया है। हम लोग सब मिलके अभी जा रहे हैं, लैपटॉप क्रैश हो गया। लैपटॉप अश्मिता को देख के क्रैश हो गया था, इसलिए क्रैश हो गया। तो देखते हैं आज होगा कि नहीं पता नहीं, आज ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, वही बोल रही हूँ, लेकिन चलते हैं ठीक कराने के चक्कर में हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे पार्क करके हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। चले अश्मिता, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया है, टाइम लगेगा। हाँ टाइम तो लगेगा, मैं वेट करूँगा। उधर डॉक्टर का चला रहा था, बोल रही हाँ बैठे तो हम लोग का काम हो गया है, अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। लैपटॉप ठीक हो गया एकदम, आई होप कि अश्मिता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अश्मिता भी बहुत खुश है, लेकिन बहुत रात हो गया है। रात मीन्स 8:00 बज गया है। हम लोग आए थे ऐसे शायद 5:30 या 5:45 को, तो कॉफ़ी भी नहीं पिए, चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं पिए। तो हम लोग सोचे कि इधर अगर कोई रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होना चाहिए, तो अगर पार्किंग मिल जाता है तो वहाँ पे हम लोग पार्क करके फिर रेस्टोरेंट की तरफ चलेंगे। तो है शायद इस साइड में हो सकता है क्या? हाँ इस साइड में है, तो ये साइड में, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। तूने स्प्रे किया है इससे? सो कॉफी आ गया है, अभी कॉफी पी के हम लोग घर चलेंगे, बहुत लेट हो गया है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 जनवरी और मैं ये ब्लॉग 19 जनवरी से बना रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था मेरे पास कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन 19 में सडनली शाम को अश्मिता का लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि वो पहले ठीक करा लेते हैं। तो बाय द वे अभी लैपटॉप ठीक है
और 20th को क्या हुआ कि शुभप्रकाश का बर्थडे था और शुभप्रकाश ने बोला कि नहीं, मुझे बर्थडे मनाना नहीं है, और बट फ्रेंड लोग ने इतना रिक्वेस्ट किए, इतना जोर जबरदस्त किए कि कुछ पिक्चर उठाना पड़ा। और अच्छा हुआ कि मैं वो पिक्चर उसके फ्रेंड के पास में सेंड कर पाई। तो ये तो कुछ खास रहा 20th जनवरी का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा हुआ कि मैं कुछ क्लिप उठा के उसको रखे थे। और हाँ, आज 21st है और आज मैं सिर्फ आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूँगी। एक मैं डिनर के लिए कुछ प्रिपरेशन करूँगी, वो कल मैं ऑलरेडी भिगो के रखे थे राजमा, तो आज रात में मैं बनाऊँगी राजमा और पराठा, तो राजमा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और जो मैं टिफ़िन में बनाने जा रही हूँ वो है आलू फूलगोभी, और अभी जो मटर आ रहा है, ग्रीन पीस आ रहा है, और ये विंटर का सीजन में एक ग्रीन पीस बहुत ही मतलब एक मीठा टाइप का होता है, तो उससे एक सब्जी बनाऊंगी आलू फूलगोभी और हरा मटर डाल के। तो ये आज मैं बनाऊंगी। बट क्यों मैं आज दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, तो इतना झटपट बन जाता है और इतना जल्दी हो जाता है कि आप भी वो बना सकते हैं और मिनटों में ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो बन जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं, और साथ ही साथ मैं शुभप्रकाश का कुछ बर्थडे क्लिप भी शेयर करूंगी। और शाम को एक्चुअली उस दिन हम लोग एक आनंद भवन में गए थे स्नैक्स के लिए, तो वो भी मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले 21st से शुरू करते हैं कि आज मैं क्या क्या कर रही हूँ, उसके बाद मैं कल का कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, अभी मैं टी बना रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और 8:30 बज रहा है, तो ऑब्वियसली टी बना रही हूँ। उसके बाद अश्मिता का दूध बॉयल करूँगी, तो देखते हैं आज वो ब्रेकफास्ट कैसे लेगी। ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं कॉर्नफ्लेक्स, और नहीं तो जो पोहा है, हम लोग बंगाली में चीरे बोलते हैं, तो वही पोहा मिल्क, और मैं कभी कभार उसके अंदर बनाना भी दे देती हूँ, तो पेट भी भरा रहता है। और स्कूल चलते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा तो खा नहीं पाते, क्योंकि ब्रेकफास्ट बोल के कुछ नहीं रहता है, तो उसका जो ब्रेकफास्ट बोल के जो टाइम पहले था कि हाँ 10 मिनट्स का ब्रेक या ऐसे 15 मिनट्स का ब्रेक था, लेकिन अभी तो वो नहीं है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उसको हेवी टिफ़िन ऐसे ही दे देती हूँ, ताकि 12 o'clock या 12:30 तक चलता है, उसके बाद ब्रेक होता है, तो 12 o'clock तक एटलीस्ट वो पेट फुल रहे, उस तरह का ब्रेकफास्ट मैं उसको देती हूँ। और अगर उसको मन करे तो फूलगोभी का जो सब्जी मैं आज बनाऊँगी उसको मैं थोड़ा सा उठा के रखूँगी, उसको भी दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग टी के साथ, और मैं फिर से आपके साथ में मिल रही हूँ। तो राजमा को मैंने 7 to 8 hours भिगो के रखे थे, अभी प्रेशर कुकर के अंदर मैं राजमा और उसके अंदर मैंने 1 inch अदरक ऐसे बारीक काट के रखे हो, और दे रही हूँ 2 green chili, और इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है राजमा मसाला। तो राजमा मसाला ही सिर्फ देना है और कुछ भी नहीं डालना है, बहुत अच्छी तरह ये राजमा बन जाते हैं। और मैं अभी उसके अंदर दे दिए हल्दी पाउडर और नमक, बस इसको अच्छी तरह मसाला को मिलाना है और 3 to 4 सीटी देना है, तो राजमा मेरा बन जाएगा। ये मैं रात के लिए रख दूँगी। और आज मैं जैसे आपको बताया कि टिफ़िन में आलू और फूलगोभी की एक मतलब तरकारी टाइप का बनाऊँगी, तो ये 3-4 सीटी हो जाएगा। अभी
सेम प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पे ऑयल लिए, ऑयल गर्म हो गया है। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा अदरक और ग्रीन चिली दिए हूँ और दे दिए हूँ जीरा। अभी मैं एक एक करके आलू और फूलगोभी को इसके अंदर दे दूँगी और हल्का सॉटे कर लूँगी। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर उसके अंदर डालूँगी। अच्छी तरह मिला के थोड़ा सा पानी दूँगी और उसको एक 1.5 सीटी दे दूँगी तो ये सब्ज़ी भी मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे राजमा बन के रेडी है और देखिए कितना सुंदर बना है। अभी इसके अंदर मैं दे रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर। 1.5 टीस्पून में जीरा पाउडर दे रही हूँ और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छी तरह उसको मिला लूँगी। एकदम जल्दी बन जाता है और सेम टेस्ट रहता है। तो आज मैंने आपके साथ दो दो रेसिपी प्रेशर कुकर में शेयर किए कि प्रेशर कुकर में आप दो रेसिपी कैसे आसानी से, टाइम भी नहीं लगता है और बन भी जाता है। अभी मैं इसके अंदर दे रही हूँ मटर, ये ग्रीन पीस है। अभी तो विंटर का सीज़न है तो मैं अभी ऑन करके लाइट ऑन कर दिए ताकि आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि कितना सुंदर मैंने इसके अंदर फ्राई किए हों। और एकदम आप ऐसे भी रख के रोटी के ड्राई भी आप रोटी के साथ ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसको ग्रेवी टाइप का बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मेरे हम लोग के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। बस अभी एक मतलब 1.5 सीटी देके बन जाएगा मेरा आलू फूलगोभी की सब्जी। तो अभी सीटी खोल के दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर बना है। कुछ भी टूटा फूटा कुछ भी नहीं है, एकदम खिला खिला बन जाएगा। ऐसे ही आप राइस के साथ भी ले सकते हैं। अश्मिता का देखिए खाना देखे ओके स्टार्ट। अश्मिता वो दही पूरी है क्या? और ये है चटपटा पूरी? नहीं, ये कुछ और है। ये क्या है? ये वाला पापड़ी चाट। पापड़ी चाट, ये पापड़ी चाट है और ये है रसमलाई और एक आ रहा है। कैसा है टेस्ट? अच्छा है। अश्मी टेस्ट कैसा है? आनंद का तो हमेशा ही अच्छा। ओके तो दिस बार भी नो डिसअपॉइंटमेंट।
रियली मुझे भी लेना है। फाइन मैं हाथ से ठीक है। थैंक यू। वेरी टेस्टी। मुझे एक्चुअली पुदीना अच्छा नहीं लगता है, मुझे जो स्वीट चटनी है वो अच्छा लगता है ज़्यादा। नहीं ये तो बाद में लेंगे ना। ये तो बहुत ही टेस्टी है, तुम एक खा के देखो। ये क्या है? ये मटर कुलचा। नहीं ये मटर कुलचा। अभी फोकस आया। कैसा है ये? दारू। আপনার লেবু কেন দিয়ে আগে লেবু আছে এটা বেসিক্যালি কুলচা ঘুগনি। কুলচা ঘুগনি চিলি 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 ক্যা হে ইয়ে মক্কি দি রোটি সরসো কা সাগ। सरसों का साग लाई तो हम काला काला क्यों दिखाई दे रहे हैं मेरे? हाँ अभी ठीक है। अभी लाइट ये सरसों का साग है और ये है मक्के का। मक्का मतलब भुट्टा है ना। मक्के में राडिश मक्का माने होच्छे भुट्टा। दैट्स मूली बट पंजाबी में ये होच्छे भुट्टा। मक्के मक्के का रोटी भुट्टा का। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। वेरी गुड। मच बेटर। या थोड़ा सा थोड़ा सा तीता है इसलिए शायद ये गुड़ दिया गया है। अच्छा है। रियली टेस्ट इज वेरी गुड। सो गाइस आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। तो यहीं पे मैं आज का ब्लॉग फिनिश करूँगी। कल मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन एज आई ऑलवेज से स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी टेक केयर बाय।